रिलीफ का इंतजार करते आवाम की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पेट्रोल के मौजूदा नर्ख बरकरार, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये लीटर सस्ता, लाइट डीजल और मट्टी के तेल के रेट 10 रुपये कम हो गए। वजीर खजाना के ऐलान के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। इंसाफ का आज लाहौर में पावर शो रैली निकाली जाएगी। इमरान खान लिबर्टी चौक से क्यादत करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दे दी। इस्तकबालिया कैंप्स का इनेकाद ममनुआ, अतलिया और दीगर इदारों के खिलाफ तकारीर नहीं की जा सकेंगी। मुंतजमीन को ट्रैफिक के निजाम में खलल ना डालने की भी हिदायत। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की रैली की कॉल, दफा 144 नाफिस, जलसे जुलूस इज्तिमा पर पाबंदी, अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस के साथ एफसी के 1000 अहलकार भी तायुनात होंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पेशावर में भी पीटीआई को रैली की इजाजत ना मिली। 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिस, 5 या ज्यादा अफराद के एक जगह जमा होने पर पाबंदी। जलसे रैली निकालना हमारा आईनी, कानूनी और सियासी हक। रैली पर कदगन लगाना सितम जरीफी, मेहनतकश और नौजवान रैली में आकर इजहार यकजहती करें। तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने के लिए 13 जमातों का इत्तेहाद गैर फितरी है। नेक नियति से मसला हल करने के लिए मुज़ाकरात में बैठे, पूरी कोशिश होगी किसी हल तक पहुंचे। ख्वाजा आसिफ को दिल मलाने की जरूरत नहीं। शाह महमूद कुरैशी। हमारे लिए मुल्क और कौम अहम, दूसरी जानिब ज़ाती मफाद को तरजीह दी जा रही है। जिन्होंने पाकिस्तान और उसके इदारों को नुकसान पहुंचाया, उनकी जमानत देने वाला कोई नहीं। नवाज शरीफ का नूलीगी इजलास से खिताब, शुरका का सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर, इत्तेहादियों से मिलकर मेहनत जारी, अवाम को जल्द खुशखबरियाँ मिलेंगी। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। पीडीएम टूट फूट का शिकार, मुज़ाकरात बहाना है या इलेक्शन करवाना है, इसका फैसला 10 मई तक हो जाएगा। जो रोज ऑडियो वीडियो खेल रहे थे, उनके अपने वजीर आजम की ऑडियो भी लीक हो गई। अदलिया, आईन और कानून हर सूरत में जीतेगा। इलेक्शन 10 दिन पहले हो या बाद, हर सूरत होंगे। शेख रशीद। सूडान से पाकिस्तानियों का महफूज इनखला, मजीद 93 शहरी इस्लामाबाद पहुंच गए। खसूसी परवाज के जरिए वापस लाया गया। इंजीनियर अमीर मुकाम ने इस्तकबाल किया। एयरफोर्स ने लोगों को वापस लाने में काफ़ी मदद की। हुकूमत मुश्किल वक्त में हम वतनों के साथ है, मुशीर वजीर आजम की मीडिया टॉक। अपने हकूक के लिए बेमिसाल जदोजहद करने वाले मजदूरों को खराज अकीदत। दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन, गूगल का डूडल तब्दील। मुल्क भर में आम तातील, यौम मई की मुनासबत से रैलियां और सेमिनार। यौम मई पर मजदूरों को खराज तहसीन, मुआशी खुशहाली में हिस्सा डालने के बावजूद मेहनत कशों को मुतादद मिसाइल का सामना। हुकूमत फलाह बहबूद के लिए इकदाम और हुनर फराहम करने की कोशिशें जारी रखे। सदर का पैगाम, मुल्की तरक्की में मेहनत कशों के अहम किरदार से इनकार मुमकिन नहीं। मजदूरों के मसाइल के बर वक्त हल, रिलीफ के लिए खुदकार और मरबूत निज़ाम तैयार कर रहे हैं। समाजी और मुआशी बहबूद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ। मुल्क में बारिशों का स्पेल, लाहौर में रिमझिम मौसम हसीन, इस्लामाबाद में ज्वालाबारी, रहीम यार खान में जलथल एक, कसूर और दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान में कोयटा, चमन, नौशिकी और दलबदीन में बादलों का राज, कराची में भी बूंदाबांदी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे बुध को खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज के आखिरी 3 मुकाबले नेशनल स्टेडियम में होंगे। शाहीनों को 2-0 की बढ़तरी हासिल।